सो हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज योर साहिल रामचंदानी बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है शी विल लीव यू इफ यू डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स। आज मैं वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो बॉयज करते हैं, जिनसे शायद उनसे लड़कियां दूर होती जाएंगी और शायद आपको पार्टनर नहीं मिल पाएगा या गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाएगी। सो बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, और अगर आपने अभी तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। वी कंप्लीटेड 600 सब्सक्राइबर्स, सो जल्दी से मुझे 1000 तक पहुँचा दीजिए। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाके कर लो यार। बात करते हैं आज की हमारी दो ब्रांड्स की जिसने हमारे साथ कोलैब किया है। जो आज की हमारी फर्स्ट ब्रांड है वो है मोबाइल क्लिनिक। अगर आपको कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जैसे ईयरफोन्स हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, एयरपॉड्स हो गए, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने उनकी व्हाट्सअप की लिंक दे दी है, आप वहाँ पे ज्वाइन। जो मोबाइल क्लिनिक है वो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट है, वो ऑनलाइन ही बिजनेस करते हैं। अगर आपको होलसेल प्राइस में अगर कोई भी आपको इक्विपमेंट चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सअप लिंक चेक कर सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं, जिसमें मैं भी ऐड हूँ, सकते हो, आपको होलसेल प्राइस में मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांड की, और जो आज के मेरी नेक्स्ट ब्रांड है वो है ड्राई फ्रूट्स। अगर आपको कोई भी टाइप के ड्राई फ्रूट्स चाहिए लाइक आलमंड्स, कैशूज, रेसिन्स, तो उसकी भी ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जाके प्राइस पूछ सकते हो एट होलसेल प्राइस। उस ग्रुप में मैं भी ऐड हूँ तो समझना होलसेल प्राइस में ही मिलेगी आपको। आप जाके चेक कर। जो आज के मेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है बैड हाइजीन। अब क्या करते हैं, अब लड़के परफ्यूम वेयर नहीं करते हैं। परफ्यूम वेयर नहीं करोगे अगर आप अपने आप को हाइजीन नहीं रखोगे, अपने क्लोथ्स आयरन नहीं रखोगे, अगर आप अपने आपको हाइजीन अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन नहीं रखोगे तो वो क्यों रहना चाहेगी वैसे बंदे के साथ जिसकी हाइजीन बैड है, जिसमें से बदबू आती है, जिसमें से एक वो पॉजिटिव वाइब नहीं आती है कि हाँ यार ये कुछ बंदा अलग है। सो इम्प्रूव योर हाइजीन, इम्प्रूव योर ग्रूमिंग सेंस, इम्प्रूव योर हाइजीन, इम्प्रूव योर रूटीन्स। अगर आप मेरी तरह अपना गुड हाइजीन रखेंगे, अपने क्लोथ को आयरन रख रहे हो, अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, रूटीन्स फॉलो कर रहे हो, तो लड़कियाँ लाइक दे देंगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जो आज के भाई नेक्स्ट टिप है वो है बैड कम्युनिकेशन। लड़कियों को वो बंदे पसंद आते हैं जो कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, ना कि बुरे। लड़कियों को वो बंदे पसंद आते हैं जो कहीं पे भी कभी भी बात कर पाएँ, शर्माएं ना। अगर वो अपनी फ्रेंड्स या फैमिली से मिलवा रही है तो अच्छे से बात कर पाए, ना ही शर्माएं। अगर आप शर्माने लग जाओगे तो वो लगेगा कि आप लड़की हो और वो लड़का है। बी कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है तो यहाँ पे लिंक आ रही होगी, मेरी वीडियो है, जाके देख सकते हो। बढ़ते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट मिस्टेक की ओर। आज की मेरी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है बैड एट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मीन्स इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब, नॉट टिकटॉक। लड़कियाँ ना आजकल बहुत तेज़ हो गई हैं, वो हर एक छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके आती है बॉयज में से अगर वो आपको लाइक करती है तो। अपना सोशल मीडिया बहुत अच्छा रखें, अपनी इंस्टाग्राम फीड बहुत अच्छी रखें। अगर आप अपनी इंस्टाग्राम की फीड सही नहीं रखेंगे तो उसे पता चल जाएगा दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, और इतने आप स्मार्ट नहीं हो कि आपको इतना भी नहीं पता चल रहा है कि अपनी फीड कैसे मेंटेन करनी है। हमेशा अपनी फीड मेंटेन रखें। अगर आपकी फीड ही मेंटेन नहीं होगी तो वो आपको कैसे चाहेगी। अपने इमेजेस क्वालिटीज़ में डालिए, नॉट क्वांटिटीज़। अगर आपके आपके 10 फ़ोटो भी होंगे और क्वालिटी वाले होंगे ना तो आपके लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अगर आपकी 100 पिक्चर्स हैं और 100 के 100 गंदे हैं तो अगर उसकी क्वालिटी बैड है तो आपके फॉलोअर्स भी कम होते जाएंगे और आपके लाइक्स भी कम होते जाएंगे और सब कुछ कम होता जाएगा। अपनी फीड संभालिए और लाइक्स बढ़ाइए और फॉलोअर्स बढ़ाइए। बढ़ते हैं आज के मेरी नेक्स्ट मिस्टेक की ओर। जो आज के मेरी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है जो आज के मेरी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है
टू टॉक टू योरसेल्फ ओनली। अगर आप उससे बात कर रहे हो तो अपने अचीवमेंट्स, भले आपने कितने भी अचीवमेंट्स ले लिए हों अपनी लाइफ में, आपको ग्रेड्स ए प्लस मिल रहे हों, बट आपको सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करनी है, उसके बारे में भी बात करनी है, उसके बारे में भी पूछना है। अगर आप अपने बारे में ही सिर्फ ऐसे बढ़ाते जाओगे दैट आई एम अ किंग, आई एम दैट, आई एम फलाना, आई एम डिंगणा, तो वो क्या सोचेगी कि यार ये तो सिर्फ सेल्फिश पर्सन है, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, मुझे तो कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है और ना ही किसी और टॉपिक पे जा रहा है। सो वो समझ जाएगी कि सेल्फिश है ये, और इन फ्यूचर अगर कुछ हुआ भी तो सिर्फ अपना ही सोचेगा, मेरा नहीं सोचेगा। सो अपने बारे में ही बात मत करो, उसके बारे में बात करो, पूरा इतना दुनिया पड़ी है उसके बारे में बात कर सकते हो, पर आप तो सेल्फिश बन रहे हो, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हो, तो वो आपको कैसे लाइक करेगी। सो समझ गए। सो बढ़ते हैं आज के भाई नेक्स्ट टिप की ओर। आज के भाई नेक्स्ट मिस्टेक है वो है शूज। अगर आप शूज वेयर नहीं कर रहे हो ना डूड, तो लड़की देख के वहीं से सो शूज वेयर करें, ऐसे ही मत जाएं। अगर आप डेट पे या किसी से मिलने जा रहे हो तो शूज वेयर करके जाएं। अगर आप शूज नहीं पहनोगे तो दैट शोज यू आर टपोड़ी। अगर आप शूज नहीं पहनोगे तो वो दिखाता है कि आप में फैशन सेंस नहीं है, और कोई भी लड़का क्यों चाहेगा कि लड़की उसको कॉम्प्लीमेंट करे, दैट यू डोंट हैव फैशन सेंस मैन। सो वो आपको एक ही लाइन मारेगी, दैट यू डोंट हैव फैशन सेंस डूड। अगर आपको फैशन सेंस चाहिए, अपना रूटीन बढ़ाना है, आपको अगर ग्रूमिंग टिप्स चाहिए और फैशन सेंस अपना देखना है कि कितना सही है कि नहीं, जाके साहिल ब्रू सर्च करो यूट्यूब पर, आपको पता चल जाएगा। सो आज की वीडियो होती है यहीं ख़त्म। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक करना, और भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। और एक खुशखबरी है दैट वी हैव क्रॉस 600 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच ऑल। जल्दी से पहुँचाइए 1000 तक, फिर करते हैं पार्टी। सो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाके फॉलो कर सकते हो। स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। सो वही मिलते हैं